भारत बनाम जिम्बाब्वे के बीच T20 विश्व कप का बड़ा मुकाबला खेला जा रहा है। आपको बता दें कि भारत ने आज टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया ने आज पहले 6 ओवर में एक बार फिर से खराब शुरुआत करके दिखाई। भारत ने आज अपने कप्तान रोहित शर्मा को एक बार फिर सस्ते में गवा दिया, जहां रोहित शर्मा 15 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। इस पूरे ही T20 विश्व कप में कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला खामोश रहा है, जहां उन्होंने एकमात्र अर्धशतकीय पारी नीदरलैंड के खिलाफ खेली। लेकिन बावजूद आज रोहित शर्मा खराब शॉट खेल करके पवेलियन की ओर लौट गए, लेकिन उन्होंने इस खराब पारी के बावजूद भी एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। क्या है वो बड़ा रिकॉर्ड, चले जानते हैं इस खबर में। आपको बता दें कि रोहित शर्मा अपने बल्ले से तो आज खामोश रहे, लेकिन बतौर कप्तान उन्होंने एक कीर्तिमान दर्ज कर लिया है। रोहित शर्मा ने भारत के लिए T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक कुल 50 मैचों में कप्तानी की है। जी हां, मैदान में कदम रखते ही रोहित शर्मा भारत के लिए T20 अंतर्राष्ट्रीय में 50 मैचों में कप्तानी करने वाले कप्तान बन गए हैं। अगर भारतीय पुरुष क्रिकेट की बात करें तो ऐसा करने वाले रोहित शर्मा तीसरे भारतीय कप्तान हैं। रोहित शर्मा से पहले भारत के विश्व कप विजेता कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली टीम इंडिया के लिए 50 T20I मैचों में कप्तानी कर चुके हैं। इस मामले में रोहित शर्मा ने पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली की बराबरी कर ली है। विराट कोहली ने भारत के लिए कुल 50 मैचों में कप्तानी की है। वहीं T20 में बात करें तो ये आंकड़ा अब रोहित शर्मा के नाम भी दर्ज हो गया है। रोहित शर्मा ने अपने 50 मैच बतौर कप्तान इंडिया के लिए T20Is में पूरे कर लिए हैं। अगर यहां पर जीत की बात करें तो सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड अभी भी महेंद्र सिंह धोनी के पास है, जिन्होंने 72 मैचों में इंडिया को 42 मैचों में जीत दिलाई है। वहीं रोहित के नाम 38 जीत तो वहीं कोहली के नाम 30 जीत है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।